ये पत्थर को पहले एक सीटी देंगे, उसके बाद तुरंत छील लेंगे, नहीं तो ये ज्यादा गल जाएगा। फ्रूट आधा पड़ा है, आधा मैंने यूज किया दूसरे काम के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं चाहिए, देखिए थोड़ा सा ही दिया मैंने, कम है। अकॉर्डिंग टू योर जो वॉल्यूम है, ये जो लहसुन है अभी ये है फ्रोजन भुट्टा दाना, आप ताज़ा भी ले सकते हो। रेड रेड पानी से खाना बनाता हूँ, करना है सारा तैयारी मैंने कर लिया, अभी कुकिंग करना है। देखिए कितना सुंदर कलर है, नमक देते तो छिड़क रहे, मेरा कपड़ा खराब कर रहे। समय मैंने बॉइल करने के समय नमक नहीं दिया, देखिए छिड़कना बंद हो गया। लाल पीला लाल पीला जम गया है, गिर रहा था। स्टार्च होता है ना, जितना आटा का हो, मैंने आटा का लिया फरफीले पास का, फिर भी जम जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने किया करके, फिर सब्जी वब्जी काटा पीसा, इतना देर में हो गया। अरे बाप रे, बहुत प्रीति है, बंधुत्व है, जुड़ जाता है। ये लाल इतना लाल है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी फेल हो गया, कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी लाल नहीं लग रहा है, मैरून लग रहा है। इसको बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत लाला चल रहा है। जितना कसोगे ना उतना आटा पक जाएगा। अगर आप चाहो थोड़ा थोड़ा सा आटा चम्मच चीनी भी दे सकते हो, क्योंकि घूप चूप में थोड़ा कड़वापन होता है, मैंने नहीं दिया, आप लोग दे सकते हैं। और इसमें और सब्जी वब्जी मत दीजिए, बीट रूट एक सब्जी हो गया, प्याज अदरक लहसुन टमाटर सब कुछ तो है। आप भुट्टा दाना भी नहीं हो तब भी चलेगा, सब्जी दूसरा सब्जी नहीं चाहिए। पानी रखा, मैं बोल रही हूँ ये पानी डाल देंगे तो अच्छी तरह से इसको उबालेंगे, तो अंदर अंदर तक देखिए सॉस का ही तो टेस्ट है ना, रोटी बोलिए चावल बोलिए सब्जी का ही टेस्ट है, रोटी चावल का तो टेस्ट नहीं है। इसमें भी मैदा हो आटा हो
जिसमें बनता है, जो सॉस बनाते हैं उसका ही, या डिप बनाते हैं उसका ही टेस्ट होता है ना, वो इसको उबलने देंगे। दोस्तों अगर चाहो ज़रूरत नहीं है, क्रीमी क्रीमी बनाए जैसे मैंने दिखाया, चीज़ ग्रेट करके दे सकते हो, चीज़ दे सकते हो, माखन दे सकते हो, कैलोरी, तो कैलोरी से बचने के लिए मैं दिखाती हूँ कम कैलोरी का खाना, इसमें भी है तेल है, तो मैं अभी साफ करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने दिखा दिया साफ करके, अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है। हम लोग खाएंगे चाय के साथ, ठीक है, नाश्ता के साथ खा सकते हो, नाश्ते में खा सकते हो, लंच में खा सकते हो, जो भी है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे इनोवेटिव खाना सीख, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और ऐसे इनोवेटिव खाना सीखने के लिए क्वीन सिंपल में आप लोगों को आना पड़ेगा, इसलिए सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए क्वीन के तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बाय।